शादियों में और भंडारे में आपने कद्दू की सब्जी तो खाई ही होगी, लेकिन जब भी हम उसे घर में बनाते हैं तो घर में वो टेस्ट नहीं आ पाता है। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ हलवाई वाली सीक्रेट रेसिपी कि वो किस तरह से कद्दू की सब्जी बनाते हैं जो इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कद्दू की सब्जी बनाने के लिए मैंने ये आधा किलो कद्दू लिया है, इसको इस तरह से मैंने पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। और इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप इस तरह की सब्ज़ी बना रहे हैं तो इस छिलके को भी रखें, छिलका बहुत अच्छा टेस्ट देता है सब्ज़ी में, तो छिलके के साथ में ही कद्दू को कट करना है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, उसको गर्म होने के लिए रख दिया है। और जैसे ही अच्छा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम तेज़पत्ता डाल देंगे जिसे बे लीफ कहा जाता है। तेल अच्छा गर्म हो चुका है तो इसमें करीब हम 2 तेज़पत्ता डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी में, तो कद्दू की सब्ज़ी जब भी बनाएं तो हमेशा तेज़पत्ता का यूज़ करें। इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे करीब 2 टीस्पून मेथी दाना, जिसे फेनुग्रीक सीड भी कहा जाता है। कद्दू की सब्ज़ी में ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और इसको अच्छा सा तड़कने देना है, क्योंकि अगर ये इस तरह से तड़केंगे नहीं तो इसका कड़वा टेस्ट होता है, वो पूरी सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब कर देता है। चटकने की आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे। मेथी दाना अच्छे से चटक चुका है, अब इसके बाद में हम ये कटा हुआ कद्दू इसमें ऐड कर देंगे। बिल्कुल धीरे धीरे ऐड करना है। अच्छे से इसे मिक्स करते जाएंगे। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। ये मैंने 3 ग्रीन चिली ली है। इसमें आप ऊपर से डालें, इसे ऑयल में ना डालें। ऑयल में डालने से ये पूरी जल जाती है और इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो जब भी इस तरह की कद्दू की सब्ज़ी बनाएं तो हरी मिर्च को काट के ऊपर से डालें। अब इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। ये मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर करीब 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा ही डालें इसमें, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। भुने हुए जीरे का पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे करीब 1 टीस्पून सॉल्ट, और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे काला नमक करीब 1/2 टीस्पून। काला नमक का टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा आता है, तो थोड़ा सा आप जो प्लेन सॉल्ट होता है टेबल सॉल्ट वो डालें, और थोड़ा सा इसमें काला नमक भी डालें। इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स, और इसको थोड़ी देर के लिए हम कवर करके रख देंगे ताकि कद्दू अच्छे से पक जाए। तो 10 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, इसको खोल के हम देख लेते हैं। काफ़ी अच्छी पक चुकी है सब्ज़ी, ये आप देख सकते हैं पूरा ऑयल अलग हो गया है इसका। थोड़ा सा प्रेस करके भी देख लेते हैं। अभी छिलका जो है वो अभी भी कड़क है, इसको और थोड़ी देर हमें पकाना है। अब इस स्टेज पे हम इसमें 1/2 चम्मच डाल देंगे आमचूर पाउडर, और 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे गुड़। तो इससे सब्ज़ी में खट्टा मीठा टेस्ट आ जाएगा। आप चाहें तो शुगर भी डाल सकते हैं, पर गुड़ से टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है, तो इसलिए मैं गुड़ डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। और थोड़ी देर के लिए इसे फिर से कवर कर देंगे, क्योंकि इसका जो कद्दू का छिलका था वो अभी तक पका नहीं है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं जिससे ये जल्दी पक जाए।
बाकी मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है पानी की, काफ़ी पानी छोड़ चुका है कद्दू, तो मैं इसे ऐसे ही बंद कर दूँगी। इसको खोल के देख लेते हैं, काफ़ी अच्छी पक गई है सब्ज़ी। गैस को हम कर देंगे बंद और इसको एक बोल में निकाल लेंगे। ये सब्ज़ी मैंने बोल में निकाल ली है, इसको आप और थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल के अच्छे से गार्निश कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल तैयार है, आप इसे रोटी के साथ में, पराठे के साथ में या पूरी के साथ में खाइए। पूरी के साथ खाएंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगी, बिल्कुल भंडारे वाले सब्ज़ी की फीलिंग आएगी। तो आप इसे इंजॉय करें और ट्राई करें, और आपको कैसी लगी सब्ज़ी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं।